Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss a landmark case of constitutional law which is mentioned in our case mat. Case ka naam hai State of Gujarat versus Ambika Mills. Ye 1974 ka case hai. Aur ye jo case hai wo mukh roop se Indian Constitution ke Article 13 Clause 2 pe based hai. To ab is case ke fact issue aur judgment pe aate hain. इस केस का फैक्ट यह है कि इस केस में सरकार बम्बई लेबर वेलफेयर फंड एक्ट पास करती है जिसमें पेमेंट ऑफ अनपेड एक्यूमुलेशन टू द एम्प्लॉय की बात की गई रहती है। तो जो अंबिका मिल्स होता है इस केस में जो पटिशनर है वो इस एक्ट को चैलेंज कर देता है इस ग्राउंड पे कि ये जो एक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(f) को वायलेट कर रहा है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी एक्ट या फिर कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट जो है वो अंबिका मिल्स के फेवर में अपना डिसीजन सुनाती है। तो अब इस केस का इशू ये है कि क्या हाई कोर्ट का डिसीजन सही है या गलत। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पर। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(f) जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की जो बात करती है वो सिटीजन के राइट टू प्रॉपर्टी की बात करती है, लेकिन अंबिका मिल जो है वो तो सिटीजन है ही नहीं, वो तो कंपनी है और राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सिटीजन को मिला है ना कि कंपनी को। इसलिए हाई कोर्ट ने अंबिका मिल के फेवर में जो अपना डिसीजन सुनाया था कि बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट जो है वो अंबिका मिल के राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, ये डिसीजन गलत था क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ सिटीजन को मिला है ना कि अंबिका मिल्क जैसे कंपनी को। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल कर देती है। और ये जब डिसीजन आया था उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी वो फंडामेंटल राइट था क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 के माध्यम से फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटाया गया है, जबकि ये जो डिसीजन आया था वो 1974 का था। इसलिए इस बात पर कन्फ्यूज मत होइएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, क्योंकि डिसीजन के समय में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था।